और अब हम लोच लकार की ओर आगे बढ़ेंगे। लोच लकार कहते हैं आज्ञार्थक को। आज्ञा के अर्थ में जब किसी क्रिया का प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर हम संस्कृत में लोट लकार के धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। लोट लकार में विभिन्न धातुओं के रूप किस प्रकार बनते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले नृत धातु। नृत का तात्पर्य होता है नृत्य करना या नाचना। इसका लोट लकार में प्रयोग जैसे अन्य लकारों में हमने देखा रूप जो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात तीन वचनों और तीन पुरुषों में विभिन्न लकारों में रूप बने हैं, ऐसे ही लोट लकार में भी विभिन्न धातुओं के रूप जो है इन तीन पुरुषों एवं तीन वचनों के आधार पर बनेंगे। तो देखते हैं नृत्य धातु, जिसका तात्पर्य होता है नाचना या नृत्य करना या नाचना, इसमें रूप कैसे बनता है। प्रथम पुरुष में देखते हैं रूप। नृत्यतो नृत्यताम नृत्यन्तो, नृत्य नृत्यतम नृत्यत, नृत्यानि नृत्याव नृत्याम, ये रूप बनता है। यदि आप ध्यान से देखें तो इनमें किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है ये आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं नृत्य धातु है और इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं वे तू ताम अंतु, अतम अत, आनि आव आम, इन प्रत्ययों का योग हुआ है। अर्थात परस्मैपदी धातुओं के जब हम रूप बनाएंगे लोट लकार में तब इन्हीं प्रत्ययों का हमें प्रयोग करना होगा। तो इन प्रत्ययों को अच्छा एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि लोट लकार का जब हम रूप बनाते हैं परस्मैपद में तो इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। आप देख रहे हैं कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें प्रत्ययों को विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रत्यय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही हम किसी भी धातु के, किसी भी परस्मैपदी धातु के रूप बना पाएंगे। तो एक बार पुनः प्रत्ययों को देखते हैं। तू ताम अंतु, अतम अत, आनि आव आम, ये प्रत्यय हैं। चलिए जैसे अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कहा जाए कि तुम नृत्य करो। देखिए लोट लकार मैंने बताया था कि इसका अर्थ प्रयोग जो है आज्ञार्थक होता है, अर्थात आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तुम नृत्य करो यह वाक्य है, तो तुम के लिए हम क्या कहेंगे। तुम के लिए संस्कृत का शब्द है युष्मद। तो तुम जो है क्या है, ये प्रथम विभक्ति और एक वचन का है। तो युष्मद का रूप आप ध्यान रखें, त्वम युवाम यूयम, ये हम जानते हैं। तो त्वम जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो तुम नृत्य करो यह वाक्य है, तो तुम के लिए अब हम यहाँ पर कह देंगे प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता पद, तुम के लिए त्वम, और नृत्य करो ये कहाँ है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया क्या होगी, क्रिया भी हमको मध्यम पुरुष एक वचन का लेना होगा। तो नृत्य धातु का रूप आप देख रहे हैं, इसमें मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप यहाँ पर हमको दिखाई देता है नृत्य। त्वम नृत्य अर्थात तुम नृत्य करो, ये तात्पर्य होगा। ऐसे ही यदि कहा जाए कि तुम सब नृत्य करो तब क्या होगा, तुम सब के लिए क्या कहेंगे, तुम सब नृत्य करो ये कहा जा रहा है। तो तुम सब के लिए त्वम युवाम यूयम, तो यूयम का प्रयोग करेंगे, यूयम और नृत्य करो अर्थात तुम सब नृत्य करो, अर्थात नृत्य करो ये कहा जा रहा है, ये क्या है, बहुवचन का है। तो यूयम क्या हुआ, बहुवचन कर्ता पद है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का। तो ऐसे ही मध्यम पुरुष क्रिया भी आपको क्या लेना है, मध्यम पुरुष का लेना है और बहुवचन का रूप लेना है, तब वहाँ पर नृत्य करो कहा जा रहा है। तो इसका मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है नृत्यत। तो यूयम तुम सब नृत्य करो, इसका अनुवाद क्या होगा, तुम सब के लिए हमने कहा यूयम, ऐसे ही नृत्य करो के लिए हम कहेंगे क्या, नृत्यत, यूयम नृत्यत, तुम सब नृत्य करो। तो इस तरह से विभिन्न जो वाक्य हैं इनमें हम इन क्रियाओं के योग से सही सही वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो सही वाक्य निर्माण के लिए हमें कर्ता का रूप भी पता होना चाहिए और क्रिया का रूप भी पता होना चाहिए। जैसे क्रिया होती है वैसे कर्ता होता है, या कहें कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, किसमें, जो कर्ता प्रधान वाक्य होते हैं उनमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्रुध धातु। क्रुध धातु का लोट लकार का रूप क्या होगा? क्रुध धातु, क्रुध मतलब होता है क्रोध करना, प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा क्रुध्यतो, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुध्य, क्रुध्यतम, क्रुध्यत, क्रुध्यानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम, ये रूप बन गया। ऐसे ही लिख धातु, लिख मतलब लिखना, इसका प्रयोग करना है किसमें? लोट लकार में। तब क्या होगा? देखिए प्रत्ययों का आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय क्या है हमारे? प्रत्यय है तू, ताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। इन प्रत्ययों को ध्यान में रखेंगे और इसमें क्या करेंगे? धातु का योग करेंगे। धातु है यहाँ पर लिख, तो लिख का योग करें इन प्रत्ययों के साथ में, तो रूप बन जाएगा लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखान, लिखाव, लिखाम। तो इस तरह से तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में लिख धातु के रूप बन गए। ऐसे ही हम मिल, मिल का तात्पर्य होता है मिलना, इसके इस धातु का भी रूप हम बना सकते हैं। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष में मिल धातु का रूप बनेगा मिलत, मिलताम, मिलन्तु, मिल, मिलतम, मिलत, मिलानि, मिलाव, मिलाम, है ना सरल? हाँ। तो ऐसे ही जितने परस्मैपदी धातुएं हैं उन सभी में हम क्या करेंगे? इन ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का योग करेंगे और फिर रूप बनाते चले जाएंगे। आइए अब आत्मनेपदी धातुओं को देखते हैं। आत्मनेपदी धातु जैसे वृत्त, वृत्त मतलब होता है होना, इसका लोट लकार में रूप कैसे बनेगा? तो वृत्त धातु का लोट लकार में रूप बनता है वर्तताम। देखिए तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में भी रूप बनेगा, जितने भी लकार हैं उन सभी के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों में रूप बनते हैं। तो वैसे ही वृत्त धातु का भी लोट लकार में रूप बनाएंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप बनेंगे। तो इसका वृत्त धातु का रूप बनता है लोट लकार में वर्तताम, वर्तेताम, वर्तन्ताम, वर्तस्व, वर्तेथाम, वर्तध्वम, वर्तई, वर्तावहई, वर्तामहे। ध्यान से देखें इन रूपों को तो आपको इन रूपों में प्रयुक्त प्रत्ययों का ज्ञान होगा। कौन कौन से प्रत्यय इनमें प्रयुक्त हुए हैं? देखिए वृत्त धातु का रूप बनता है वर्त, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है अताम, वर्त धन अताम इति वर्तताम। तो क्या हुआ ये? अताम, एताम, अंताम, वर्तताम, वर्तेताम, वर्तन्ताम, प्रत्यय क्या प्रयुक्त हुआ यहाँ? अताम, एताम, अंताम। इसी तरह से वर्तस्व, वर्तेथाम, वर्तध्वम, यहाँ अस्व, एथाम, अध्वम, इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ। ऐसे ही वर्तई, वर्तावहई, वर्तामहि, यहाँ पर प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं ऐ, आवहई, आमहि। अर्थात आत्मनेपद की जो क्रियाएँ हैं उनमें हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे, अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वम, ऐ, आवही, आमही, इनका योग करते जाएंगे और आत्मनेपदी धातुओं के लोट लकार के रूप बनाते चले जाएंगे। आइए हम देखते हैं रुच। रुच का तात्पर्य होता है रुचना या अच्छा लगना, इसका रूप कैसे बनेगा? तो इसका रूप बनाते हैं, आइए देखते हैं रुच धातु का रूप लोट लकार में। प्रथम पुरुष में इसका रूप बनेगा रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचावहई, रोचामहे। तो इस तरह से तीनों पुरुषों में रुच धातु के रूप इस प्रकार से बनते हैं। हमने किया क्या यहाँ पर? रुच धातु में अताम, एताम, अंताम, ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों का हमने योग किया और फिर रूप बन गया। प्रथम पुरुष में आप देख रहे हैं रोचेताम, रोचताम, रोचेताम, रोचन्ताम। मध्यम पुरुष में रूप बना है रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम। उत्तम पुरुष में रोचई, रोचावहई, रोचामहे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से परस्मै पद और आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनते हैं उसी प्रकार से जो धातुएं उभयपदी हैं उनके रूप भी इसी तरह से जो हम अभी हमने जिन प्रत्ययों की चर्चा की उसके आधार पर भी उनके भी रूप बनेंगे। तो आइए उभयपदी धातुओं को देखते हैं।
उभयपदी धातुओं में जैसे हम देखते हैं कृ धातु, कृ का तात्पर्य होता है कहना, इसका जब हम रूप बनाते हैं तब वहाँ पर रूप बनेगा कृ धातु प्रथम पुरुष में, ये हम देख रहे हैं परस्मै पद में, वहाँ पर रूप बनता है करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाव करवाम। तो ये हो गया लोट लकार में कृ धातु का परस्मै पदिक रूप। ऐसे ही आत्मनेपदी, आत्मनेपद में यदि इसका रूप बनाना चाहें तब इसका रूप बनता है प्रथम पुरुष में कुरुताम कुर्वाताम कुर्वताम कुरुस्व कुर्वाथाम कुरुध्वम करवई करवावहै करवामहै। तो इस तरह से ये उभयपदी धातु कृ को हमने देखा। ऐसे ही हम कहें कथ, कथ का तात्पर्य होता है कहना, इसका भी रूप जो है परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में अलग अलग बनता है। परस्मै पद धातु में परस्मै पदी रूप इसका बनाना चाहें किसका, कथ धातु का, तब वहाँ पर रूप बनता है कथयतु, प्रथम पुरुष देख रहे हैं कथयतु कथयताम कथयन्तु कथय कथयतम कथयत कथयानि कथयाव कथयाम। ऐसे ही आत्मनेपद में इसका रूप बनाएंगे, रूप बनता है कथयताम, आत्मनेपद प्रथम पुरुष कथयताम कथियेताम कथयन्ताम, मध्यम पुरुष कथयस्व कथियेथाम कथयध्वम, उत्तम पुरुष कथयै कथयावहै कथयामहै। तो ये हो गया। ऐसे ही हम कहेंगे भक्ष, भक्ष का मतलब होता है भक्षण करना या खाना, इसका परस्मै पद में रूप बनेगा भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु भक्ष्य भक्ष्यतम भक्ष्यत भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम। आत्मनेपद देखते हैं, आत्मनेपद में जो कि देखिए ये उभयपदी धातु है इसलिए परस्मै पद में भी इसका रूप बनेगा और आत्मनेपद में भी रूप बनेगा। तो परस्मै पद धातु में परस्मै पदी रूप इसका कैसे बनता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आत्मनेपद रूप, आत्मनेपद में इसका रूप बनता है भक्ष धातु का प्रथम पुरुष में भक्ष्यताम भक्ष्येताम भक्ष्यन्ताम, मध्यम पुरुष में भक्ष्यस्व भक्ष्येथाम भक्ष्यध्वम, उत्तम पुरुष में रूप बनेगा भक्ष्यै भक्ष्यावहै भक्ष्यामहै। प्यारे बच्चों ये जो रूप बन रहे हैं विभिन्न लकारों में इनको आपको भली भांति समझना है जानना है क्योंकि इसके आधार पर ही हम विभिन्न वाक्यों की रचना कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि जो परस्मै पदी जो प्रत्यय हैं ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं परस्मै पदी प्रत्ययों को, तु ताम अंतु अतम अत आनी आव आम, ये परस्मै पदी प्रत्यय हैं। इसी तरह से जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं उनको भी देखते हैं, अताम एताम अंताम अश्व एथाम अध्वम ऐ आवही आमही। तो इन प्रत्ययों को हमको ध्यान में रखना है और इन प्रत्ययों का योग हम धातु के साथ करेंगे और विभिन्न धातुओं में परस्मै पद एवं आत्मनेपद के रूप बनाने में हम समर्थ होंगे।